Okay, let's see this application of derivatives first exercise. Here we are going to deal with what is a tangent and what is normal. Find the equation of tangent and normal. So what is a tangent and what is normal? If I take a curve, so this is called as a tangent. This line over here is called as a tangent. और इसी को अगर मैंने perpendicular एक line ले लिया, तो this is called as a normal. तो टेंजेंट एंड नॉर्मल ये दोनों लाइन से अगर ये दोनों लाइंस है तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या आता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स. So, tangent हो या normal हो दोनों का equation तो हम लोग वही formula से use करेंगे, that is y minus y1 is equal to m x minus x. The difference here lies कि हम लोग find कैसे करते हैं slope of tangent कैसे find करते हैं और slope of normal कैसे find करते हैं. तो slope of tangent find करने के लिए I will differentiate and then I will get dy by dx and then I will substitute dy by dx at that point. Point जो दिया होगा उसमें डाल दूंगा, मुझे मिल जाएगा slope of tangent जिसको मैं बोलता हूं mt. Let's say उसको बोल रहा हूं. Okay. Now tangent and normal एक दूसरे को perpendicular है. If two lines are perpendicular, then the product of slopes is minus one. So slope of tangent and slope of normal का product कितना रहेगा? Minus one. तो can I say slope of normal is minus one upon slope of tangent? तो slope of normal जो है, वो मुझे क्या मिलेगा? Minus 1 upon slope of normal. This is what I get. So, let's see this. अभी इतना information से मैं कैसे calculate करता हूँ. First question is y is equal to x square plus 2a raised to x plus 2 at 0. Now to find slope, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे. सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो आई गेट dy बाय dx, x स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x, 2 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ e स्क्वायर से e स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ 2 0. तो आई एम डायरेक्टली डिफरेंशिएटिंग और अगर मैंने ये dy by dx फाइंड किया ये पॉइंट पे, ये जो पॉइंट दिया है 0,4 उस पे फाइंड किया, मतलब 2 into 0 plus 2 into e raise to 0 तो कितना आएगा 0 plus 2 into 1 which is 2. Now this is what I get, ये मुझे जो मिलता है वो है slope of tangent. ये mt जो है, can I say slope of tangent is equal to mt, मैं नाम देता हूँ उसको, and it is nothing but dy by dx at 0,4. ये जो मैंने differentiate किया है मुझे मिला है slope of tangent जिसका value 2 है. अभी ये मुझे मिला slope, अभी कोई भी line हो tangent को normal हो उसका इक्वेशन कैसे फाइंड करते हम लोग, बाय यूजिंग दिस. सो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, क्योंकि इसने क्या बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इट विल y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. सो y माइनस y1 कितना है 4, m कितना है 2, x minus x1 कितना है 0, y minus 4 is equal to
2x, 2x minus y plus 4 is equal to 0. यह आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट इक्वेशन. अभी ये मेरे को मेरा टेंजेंट का इक्वेशन सेम वे फाइंड करना है, नॉर्मल का इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन जैसा ही लिखते हैं. पहले तो मैं फाइंड करूंगा स्लोप ऑफ नॉर्मल. स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी माइनस वन अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट which is minus 1 upon dy by dx. वो देख चुके हम लोग, slope of normal is 1 minus 1 upon, ये कितना मिला था, ये dy by dx कितना मिला आपने को, 2 मिला है. so slope of normal if I name this is mn, मुझे mn कितना मिला, slope of normal I got this. अभी equation ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, y माइनस y1 कितना है 4 है, mn कितना है माइनस 1 बाय 2, x1 कितना है 0, सो इट विल बी 2y माइनस 2 4 जा 8 इज इक्वल टू माइनस 6. और अगर ये इधर आ गया तो x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. तो दोनों में भी फॉर्मूला वही यूज हुआ है, इक्वेशन ऑफ लाइन का ही हुआ है. फर्क इतना है यहाँ पर मैं स्लोप लिख रहा हूँ टेंजेंट का और यहाँ पर मैं स्लोप लिख रहा हूँ नॉर्मल का. दिस इज द ओनली डिफरेंस. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2. क्या बोला है, x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 9xy इज इक्वल टू 0 एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट 2, कैसे करेंगे देखो, इसको भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर एंड xy का डेरिवेटिव कैसे आएगा, u v से वी यूज u v, u derivative of v plus v derivative of u. This is 3x square dy by dx minus 9x dy by dx minus 9y derivative of x is 1. अभी dy by dx एक साथ लेते हैं, ये दोनों को एक साथ लेते हैं और बाकी सब उधर डाल दो. dy by dx अगर मैंने कॉमन निकाला तो ये क्या आएगा, 3x square, sorry, 3y square minus 9x is equal to, ये उधर जाएगा 9y minus 3x square. so dy by dx will be 9y minus 3x square 3y square minus 9x. This is what we do. अभी ये जो मुझे मिला है वो स्लोप है, बट अभी ये स्लोप मुझे अगर फाइंड करना है dy by dx एट अ पॉइंट, पॉइंट कौन सा लेते हैं हम लोग, 2, 4. तो ये स्लोप मैं फाइंड करूंगा, दिस विल बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ tangent dy by dx. okay, तो ये अगर मैंने इसमें 2, 4 डाल दिया तो 9 × 4 minus 3 × 2 square upon 3 × 4 square minus 9 × 2, so 9 × 4 = 36 minus 3 × 4 = 12, 16 × 3 = 48 minus 18, ये कितना आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 30, 6 × 4 = 65. सो यू गॉट स्लोप ऑफ टेंजेंट. स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकता हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा,
y minus y1 is equal to m x minus x1. So y minus y1 कितना दिया है क्वेश्चन में? So y1 is given to us 4, m is 4 by 5, x minus x1 is 2. So 5y minus 5 4s are 20, 4 into x 4x, 4 2s are 8, सब एक साइड में लिख दिया, 4x minus 5y, 20 minus 8 is 12, is equal to 0. ये आ जाएगा इक्वेशन ऑफ टैंजेंट. सेम वे अगर मुझे फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, उसके लिए मुझे चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल. स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे मिलेगा? तो देखो, स्लोप ऑफ नॉर्मल इधर फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, सॉरी दिस इज एम टी, ओके. हां, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज माइनस 1 अपॉन एम टी. सो स्लोप ऑफ नॉर्मल यहां से ही है, दिस करेक्ट होगी, इट इज माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ टैंजेंट कितना है 4/5. तो ये कितना आ जाएगा माइनस 5/4. नाउ यू वांट स्लोप ऑफ नॉर्मल, अभी तुमको चाहिए स्लोप. स्लोप मिल गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे मिलेगा? फिर से वही y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल को मैं mn बोल देता हूं, इसको हम लोग बोलते हैं mn. y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. तो y माइनस y1, y1 कितना है 4, m n is minus 5/4, x minus x1 is what 2, still 4y, 4 4s are 16, minus 5x plus 5 2s are 10, here आ जाएगा 5x plus 4y minus 26 is equal to 0. This is your answer. So let's see question number 4 and 7 now. Question number 4 में बोला है x cube, sorry 2xy plus 5 sin y 0 to 5 and at that point. तो प्रोसीजर क्या है कि पहले हम लोग क्या करते हैं, we find dy by dx. dy by dx क्या होता है? Slope of the tangent. तो हम लोग पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं. सो व्हेन यू डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या आ जाएगा 2 xy, मतलब u डेरिवेटिव ऑफ v, u ये u ही लगा दिया इसमें, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u प्लस पाई बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ sin y इज cos y into dy by dx और इसका डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा. नाउ व्हाट डू गेट इट्स क्या आएगा 2, ये x dy by dx प्लस 2 into dy by dx ऑफ x 1 2y आ जाएगा प्लस पाई cos y dy by dx इज इक्वल टू 0. अभी ये dy by dx दोनों एक साथ लेते हैं तो क्या आएगा 2x plus pi cos y dy by dx और इसको उधर डालते हैं तो माइनस 2y. नाउ dy by dx will be minus 2y upon 2x plus pi cos pi. ये मिला अपने को स्लोप. ये dy by dx at a point मतलब क्या, at that point जो मैंने बोला था, at that point मतलब हम लोग स्लोप ऑफ अ टेंजेंट फाइंड करते हैं. सो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट अ पॉइंट चाहे तो मैं हम टीम दे दो या फिर dy by dx एट अ पॉइंट, पॉइंट क्या है 1, y by 2.
So I'll find at 1 comma pi by 2. ये पॉइंट है 1 कॉमा पाई बाय 2. तो इधर अगर y के जगह पे हमने पाई बाय 2 लिख दिया तो 2 इनटू y के पे क्या आ जाएगा पाई बाय 2, x के जगह पे 1, y के जगह पे पाई बाय 2. सो व्हाट यू गेट ओवर हियर, मैंने कैलकुलेट दिस, यू गेट दिस, इधर ही कैलकुलेट करता हूं मैं इसको. ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस पाई कॉस 90, कॉस 90 जीरो, तो ये जीरो हो गया और नीचे बचेगा 2, सो यू गेट माइनस पाई बाय 2. सो स्लोप तुमको मिला, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिला है माइनस पाई बाय 2. सो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या मिलेगा, वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन मतलब पॉइंट क्या अपने पास, ये एम एक्स माइनस एक्स वन. सो वाई माइनस, व्हाट इज वाई वन, इट इज पाई बाय टू. व्हाट इज एम, इट इज माइनस पाई बाय टू. व्हाट इज एक्स वन, दैट इज वन. सो कॉमन लिख रहा है 2 इंटू वाई, 2 वाई माइनस पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू. अभी कैलकुलेशन से करें 2y माइनस पाई बाय टू, तो ये 2 गया, 2y माइनस पाई इज इक्वल टू माइनस पाई x प्लस पाई. अभी सब एक साइड में ले लो, ये आ जाएगा पाई x प्लस 2y माइनस 2 पाई इज इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. उसी तरीके से अभी हम लोग स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करते हैं. स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आता है, माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट. सो आई कैन राइट दिस इज माइनस 1 बाय, व्हाट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, माइनस पाई बाय 2. उसको उल्टा कर दो क्या आएगा, 2 बाय पाई, यू गॉट स्लोप ऑफ नॉर्मल. अब स्लोप ऑफ नॉर्मल मिलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखते हैं. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इज इक्वल टू m इनटू x माइनस x1. स्लोप ऑफ इधर चलो t था, इधर n आ गया. स्लोप ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 कितना है, पॉइंट मेरे पास है क्या है पाई बाय 2, एम एन, एम एन कितना है 2 बाय पाई. व्हाट इज एक्स वन, एक्स वन इज 1, सो इट इज 2 बाय माइनस पाई बाय 2, 2 बाय पाई एक्स माइनस 1. इस क्रॉस मल्टीप्लाई 2 पाई वाई माइनस पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टू जा 4, 4 इंटू एक्स 4x, 4 ones are 4, तो ये बनेगा 4x minus pi 2 pi y, that's your answer. You okay, let's see the sample. X is equal to root t, y is equal to t minus t पर तो दिया है, पहले y लिख लेते हैं, okay, थोड़ा सा अलग समझ, y is equal to t minus 1 का root, इधर point नहीं दिया उन्होंने, तो पॉइंट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे. तो y इज इक्वल टू t माइनस 1 बाय √t है, पहले इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आएगा dy बाय dt, डेरिवेटिव ऑफ t इज 1 एंड ये एक्चुअल में है t रेस टू माइनस हाफ, ओके, t रेस टू माइनस हाफ का क्या आएगा ऊपर से माइनस हाफ, t रेस टू माइनस हाफ माइनस 1 इज t रेस टू माइनस 3 बाय 2 n x n minus 1. So you get this as dy by dt is equal to 1 plus t raised to minus 3 by 2 divided by 2. So this is what you get. Abhi,
इसको वैसे ही छोड़ दो, टेक x इज इक्वल टू रूट टी, इसको भी डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टी, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी dx by dt क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट टी। अभी दोनों को डिवाइड कर, अगर दोनों को डिवाइड किया तो क्या आएगा dy by dt अपॉन dx by dt, ये दोनों को डिवाइड किया तो मुझे मिलता है dy by dx। ओके लेट्स डिवाइड दिस टू, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेता हूं, तो क्या मिलेगा देखो 2 प्लस e raised to minus 3 by 2 upon 2, so it is 2 plus t raised to minus 3 by 2, ये मिला आपने, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, t raised to आप ऊपर चले जाएंगे, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा 2 t raised to half, t raised to half इसको मल्टीप्लाई होगा, t raised to half अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो t raised to minus 3 by 2 plus 1 by 2, तो यह आ जाएगा 2 t raised to minus 2 by 2, तो अगर मल्टीप्लाई किया जाए minus 2 by 2 मतलब minus 1, 2 t raised to half प्लस 1 बाय टी आ रहा है, दिस इज व्हाट यू गेट डी वाई बाय डी एक्स। और अगर हमने इधर 4 डाल दिया, लेट्स से 4 डाल देते हैं क्योंकि अपने को चाहिए स्लो पैटर्न पॉइंट, तो डी वाई बाय डी एक्स डाल देते हैं टी इज इक्वल टू 4 पे, तो 2 4 रेज टू हाफ प्लस 1 बाय 4 कितना आएगा, ये 4 रेज टू हाफ मतलब 2 आता है, 2 2 = 4, 4 प्लस 1 बाय 4, 4 प्लस 16, 16 प्लस 1, 17 बाय 4 आता है, तो ये स्लोप मुझे मिल गया। अभी ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब MT मुझे मिल गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया, मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल भी फाइंड कर सकता हूँ, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ tangent मतलब minus 1 upon slope of tangent कितना है 17 by 4, तो ये आएगा minus 4 by 17, तो ये मुझे मिला slope of normal। now what I want is point ही नहीं मेरे पास, point कैसे मिलेगा देखो, तो x is equal to root t है, p के जगह पे तुम 4 डाल दो तो मिलेगा 2, y के जगह पे t minus 1 by root t है, यहाँ पर 4 डाल दो 4 माइनस 1 बाय 2 7 बाय 2 आ जाएगा, पॉइंट मिल गया। अभी सब कुछ क्लियर हो गया, अभी हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इनटू x माइनस x1, y माइनस y1 कितना है, ओके दिस इज x1 y1 करेक्ट, 7 बाय 2, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना मिला 17 का, एक्स1 कितना है 2, तो ये मल्टीप्लाई 2y माइनस 7 बाय 2 17 बाय 4, 2 1 जा 2 2 जा 2 2 जा 4 2 7 जा 14 17x 17 2 जा 34 17x माइनस 4y माइनस 34 प्लस 14, माइनस 34 प्लस 14 कितना आ जाएगा माइनस 20, 17x माइनस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 आएगा। सेम वे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए अपने को, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो कैसे मिलेगा, y माइनस y1 मतलब 7 बाय 2, m कितना है माइनस 4 बाय 17, एक्स माइनस एक्स वन कितना है 2, तो 2y माइनस 7 बाय 2 इक्वल टू माइनस 4 बाय 17, एक्स माइनस 2, 17 कितना मल्टीप्लाई 17 टू जा 34, 17 7 जा कितना आएगा 119, और ये माइनस 8x
माइनस 8 इंटू 2 16, ये आएगा 8x प्लस 34y। और अगर ये इधर लाया जाए तो कितना आएगा, let's see this now. Find a point on the curve y is equal to root of x where the tangent is perpendicular to the line. मतलब क्या दिया देखते हैं पहले, एक पॉइंट ऑन द कर्व है, कर्व दिया अपने को, यू हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ये पॉइंट पूछा है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। नाउ दिस टेंजेंट जो है इट इज परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन, ये टेंजेंट जो इसका है वो इट इज परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन। तो ये लाइन का इक्वेशन मेरे को दिया है 6x + 3y - 5 = 0, इसका जो टेंजेंट है वो इसको परपेंडिकुलर है ऐसा दिया हुआ है। तो हमको पता है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट माइनस वन होता है, सो m1 into m2 is minus 1। तो इसका स्लोप कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, माइनस ए बाई बी, इसका स्लोप हम लोग फाइंड करेंगे माइनस ए बाई बी, सो इट इज माइनस 2, ये मिला इसका स्लोप। और ये स्लोप जो मिला ये मुझे ये लाइन का मिला, ओके, सो स्लोप ऑफ लाइन 6x + 3y - 5 = 0 इज -6/3, मतलब -2। और ये जो टेंजेंट है, नाउ द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, तो अगर ये टेंजेंट लाइन को परपेंडिकुलर है तो ये जो टेंजेंट का स्लोप है और ये जो लाइन का स्लोप है, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ लाइन 6x + 3y - 5 शुड बी -1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ लाइन, अभी स्लोप ऑफ लाइन तो मुझे पता है, स्लोप ऑफ लाइन इसको लेते हैं हम लोग 1, ओके, ये कंडीशन आ गया। तो हाउ डू आई फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो मुझे जो इक्वेशन दिया है, मुझे कर्व का इक्वेशन दिया है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो इफ आई डिफरेंशिएट दिस आई गेट स्लोप ऑफ द टेंजेंट, हमेशा याद रखना dy/dx फाइंड कर सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता है। तो dy/dx इज इक्वल टू, अगर इसको डिफरेंशिएट किया, √x का डेरिवेटिव आता है 2√x - 3। सो अभी ये जो मुझे मिला है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ओके, अब ये वैल्यू जाएगा यहां पर, ये कंडीशन, ये जो कंडीशन मैंने फाइंड किया यहां पर, इसमें ये वैल्यू जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब एंटी कितना है 1/√x - 3 into slope of line is as you can see is -2, ये वैल्यू भी I'll just highlight this for you, ये हमने फाइंड किया है स्लोप ऑफ लाइन, वो मैंने इधर डाल दिया -2 इधर, एंड दैट इज इक्वल टू -1। अभी कैलकुलेशन किया जाए तो कितना आता है 1/, ओके, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया तो 1 इज इक्वल टू, सो √x - 3, तो x - 3 इज इक्वल टू 1, स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो x का वैल्यू आएगा 4। तो x का वैल्यू 4 अगर मैंने उसमें डाला y इज इक्वल टू √4 - 3 मतलब 1 आ जाएगा, तो y का वैल्यू भी मुझे √1 मतलब 1 ही मिलेगा। तो द पॉइंट इज
4, 1. That's it. You got the point. 4, 1. Now let's come to the question number 3. Find the points of the curve where the tangents are parallel to the line. This. Now question ko pehle samjho ki kya diya hua hai and let's solve it. Find the points on the curve. Now curve jo hai, tu isse curve diya hai, mujhe iska equation diya hai. You have to find the point on the curve where the tangents are, the tangent jo hai, it is parallel to, abhi ye tangent jo hai, it is parallel to this line. ये जो टेंजेंट है वो लाइन समझ, ये लाइन है 3x - y + 1 = 0 और ये लाइन को ये टेंजेंट पैरेलल है. टेंजेंट अगर पैरेलल है, अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनका, टू लाइंस आर पैरेलल तो उनका स्लोप्स, अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनका स्लोप्स इक्वल रहता है. मतलब अगर ये दो लाइंस पैरेलल है तो ये टेंजेंट और ये लाइन का स्लोप इक्वल रहेगा. मतलब अगर इसका स्लोप फाइंड किया मैंने, स्लोप ऑफ, इसका स्लोप क्या आ जाएगा, -a/b, सो इट इज 3. स्लोप ऑफ दिस एंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट, हाउ डू आई फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, अगर हमको स्लोप फाइंड करना है टेंजेंट का तो हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं इसको. y इज इक्वल टू x³ - 2x² - x. व्हेन यू डिफरेंशिएट दिस ये आएगा dy/dx, ये आएगा 3x² - 4x, ये आ जाएगा -1. ये क्या मिला मुझे, दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट. Now, since the line, the tangents are parallel, no? Tangents are parallel to the line. Therefore, the slope of tangents will be equal to slope of line. Slope of tangent kya hai? Ye 3x² - 4x - 1 = स्लोप ऑफ लाइन क्या है, 3 है. सो यू गेट 3x² - 4x - 3 - 1 - 4. 3 4s are 12, 6 2s are 12 is the answer. 6 2s are 12 is the factor. कॉमन निकालो, 3x x - 2 2 कॉमन x - 2. So you will get x = -2/3. So -2/3 जो है, मेरे को दो पॉइंट्स चाहिए, तो x = 2 इस पे डाल दो. तो if you put x = 2 over here, क्या मिलेगा भाई, 3 × x³ है ना. So 2³ is 8, 8 - 2² = 4, 4 = 8 आ जाएंगे और ये -2 हो जाएगा. फिर यू विल गेट y = -2. सो व्हेन x = 2, y = -2. सो व्हेन x = 2, y = -2. एंड व्हेन x = -2/3, y कितना आ जाएगा, सो -2/3 डाल दो. So -8/27 आ जाएगा, -2 × 4/9 आ जाएगा, -(-) मतलब +2/3 आ जाएगा. और अगर कैलकुलेशन किया जाए तो यह आएगा -8/27 -4 × 8/9 +2/3 कितना आ जाएगा. ये एलसीएम लेते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो. Okay, LCM is 27. So the LCM here is 27. So 3 9s are, इधर 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 8s are 24 हो जाएंगे, और इसको 9 से 9 2s are 18 हो जाएंगे.
So if you calculate this, ये आ जाएगा divided by 27. ये आएगा minus 6 minus 8 is minus 14. So you getting the points now. एक point तुमको मिला 2 minus 2 और दूसरा point मिला है minus 2 by 3 minus 14 by 27. ये आपको दोनों पॉइंट्स मिल गया है. ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये देख लेना क्या आएगा. लेट्स सी दिस फोर्थ वन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व सो एंड सो व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस. नाउ हाउ आई डू दिस, find the equation of tangent to the curve. This अभी एक curve दिया हुआ है. Equation of tangent find करना है. Equation of tangent कैसे find होगा? Equation of tangent एक line का equation. Line का equation find करने के लिए हम लोग use करेंगे slope point form. तो मुझे slope का जरूरत है. मुझे इसके slope का जरूरत है. Slope आ गया तो बहुत सारा काम हो जाएगा. Slope का जरूरत है और मुझे point का भी जरूरत है. Then I use slope point form. तो देखते हैं कैसे. पहले ये कर्व दिया हुआ है व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस. नाउ एनी लाइन व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर एक लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 आता है. क्योंकि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो ग्राउंड को पैरेलल अगर कोई लाइन है तो उसमें स्लोप है ही नहीं, स्लोप 0 है. तो क्या क्या पॉइंट्स अपने को चाहिए? तो पहले तो स्लोप फाइंड करते हैं इसका. इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x. Let's differentiate this. 2x, 2y, dy by dx. Minus 2 into 1, minus 4 into dy by dx. इसको differentiate किया हमने, कितना आता है? Point तो दिया ही नहीं, तो let's take dy by dx together. ये क्या आ जाएगा? 2y minus 4 dy by dx. और ये उधर डाल दो, 2 minus 2x. So do of dy by dx is equal to 2 minus 2x, 2y minus 4. यार जाएगा 1 minus x upon 2 common निकाल दो, 2 common निकाल के cancel कर दो, y minus 2 common निकाल के cancel कर दो. तो this is what you get, dy by dx. ये तुमको मिला slope. Slope किसका मिला? Tangents का. स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये मेरे को स्लोप मिला. बट अभी भी ये जो स्लोप मिला है उसमें कुछ कंप्लीटनेस दिखाई नहीं दे रहा खास. ओके, तो हम लोग इसको कुछ तो अभी यूज कर लेते हैं. स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, ये क्या मिल रहा है? स्लोप ऑफ टेंजेंट. नाउ टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0 और ये दोनों इक्वल है. 1 माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस 2 शुड बी 0 because the tangents are parallel to x-axis, so the slopes are equal. Slopes equal है, तो 1 minus x कितना आएगा? 0. X कितना आ जाएगा? 1. तो x का value 1 मिला है. अभी हम लोग x का value 1 अगर इसमें डाल देंगे, x का value 1 हम लोग इसमें डाल देंगे, इसमें directly डाल देंगे, पहले पहले अपने को y चाहिए, तो x का value इसमें डाल देंगे. So, ये 1 हो गया, ये y square हो जाएगा, 2 into 1 is 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा minus 4y plus 1 is equal to 0. So, y square minus 4y और ये 1 plus 1 2 और 2 cancel, तो ये आ जाएगा y minus 4 is equal to 0, y is equal to 0 and y is equal to 4. तो मेरे को दो पॉइंट्स मिल रहा है. x का वैल्यू 1 रहेगा तो y का वैल्यू 0 मिल रहा है, x का वैल्यू 1 रहेगा तो y का वैल्यू 4 मिल रहा है. सो आई गेट 2 पॉइंट्स हो गए. सो दो पॉइंट्स मिल रहा है, मुझे स्लोप भी चाहिए. तो दो पॉइंट्स के हिसाब से स्लोप भी अपने को मिल जाएगा. ओके, तो मैं अभी यहां पर अगर स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करता हूं तो देखो, पहले अगर मैंने ले लिया ये पॉइंट कौन सा 1 0 पॉइंट ले लिया. ओके, और ये पॉइंट अगर मैंने इधर डाला, consider 1,0, तो ये 1,0 इसमें डाला, तो मुझे स्लोप क्या मिलता है?
1 minus 1, okay, upon, तो ये स्लोप जीरो ही मिलेगा मुझे, okay, स्लोप जो है जीरो मिलेगा. अभी स्लोप जीरो क्यों मिलेगा मुझे, क्योंकि वो दोनों लाइंस किसको पैरेलल है, वो दोनों लाइंस पैरेलल है. ये केस में अभी मुझे क्या मिल रहा है, जीरो ही मिल रहा है, okay, 1 minus 1 तो जीरो ही आ जाएगा. When I consider this, तो यहाँ पर स्लोप जो है मेरा जीरो ही आ रहा है ये केस में. ओके ये केस देखो, सो इफ आई कंसीडर 1 कॉमा 0 स्लोप इज 0, सो y माइनस y1 इज इक्वल टू m, m क्या है, m 0 है, x माइनस x1 भी पुट करूंगा तो y इज इक्वल टू 0 ही आ जाएगा. तो ये बन गया एक इक्वेशन टेंजेंट का. अब दूसरा देखते हैं, कंसीडर कौन है दूसरा, 1 कॉमा 4, सो y माइनस y1 इज इक्वल टू अभी m, m m कैसे मिलेगा मुझे, अगर मैंने इसमें पहले स्लोप निकाला, चलो स्लोप निकाल के देखते हैं क्या, तो dy by dx क्या आ जाएगा, 1 minus 1, अगेन ये भी 0 ही हो जाएगा. ओके तो यहां पर भी स्लोप तो 0 ही है बिकॉज दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ठीक है इसका भी स्लोप 0 है बिकॉज द लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस. सो स्लोप, सॉरी ये स्लोप जीरो है, स्लोप जो है वो जीरो है. ओके तो अभी y माइनस y1 अगर मैं लेता हूं m, m मतलब स्लोप, x माइनस x1 तो ये जीरो इनटू एनी जीरो ही आएगा, तो y का वैल्यू कितना आएगा, y इज इक्वल टू 4. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट टेंजेंट एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेकंड टेंजेंट. तो दो इक्वेशन मुझे मिल गया जो टेंजेंट्स का चाहिए था. अभी कमिंग टू दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स. अभी क्वेश्चन थोड़ा समझ के क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स के बारे में बात कर रहा है. तो नॉर्मल क्या होता है, अगर एक कर्व है, ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल के बारे में अगर बात हो रही है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स टू द कर्व, कर्व दिया मुझे 3x2 व्हिच आर पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स चाहिए तुमको. नॉर्मल का इक्वेशन अगर चाहिए तो नॉर्मल का मेरे स्लोप पता होना चाहिए. ओके क्या 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 है, लेट्स ट्राई टू डिकोड दिस. पहले तो बोला है इक्वेशन नॉर्मल टू द कर्व, ये कर्व दिया है 3x2 - y2 = 8, तो इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा, डिफरेंशिएट किया तो 3 टू द 6x आ जाएगा, ये आएगा 2y dy / dx = 0. तो 2y dy / dx इज इक्वल टू 6x आ जाएगा, मतलब dy / dx 3x / y आ जाएगा. ये मुझे मिला dy / dx. अभी अगर मेरे को dy / dx मिल रहा है, तो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग ओवर हियर. ये मुझे मिला स्लोप, ये स्लोप किसका मिला है मुझे, स्लोप हमेशा मिलता है टेंजेंट का, याद रखना स्लोप हमेशा मिलता है डिफरेंशिएट करने के बाद टेंजेंट का ही मिलता है. तो ये मुझे मिला स्लोप टेंजेंट का. अभी मुझे क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स. तो नॉर्मल तो अलग चीज है, नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए, नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए पहले मुझे नॉर्मल का स्लोप चाहिए और फिर मुझे चाहिए पॉइंट, तभी तो मैं स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा सकता हूं, इतना मुझे चाहिए. तो नॉर्मल का स्लोप के बारे में अभी कैसे मिलेगा, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी माइनस वन अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये आ जाएगा. इसको उल्टा कर देते हैं, माइनस वन अपॉन 3x by y, so can I say minus y by 3x, negative उल्टा हो गया, ये हुआ slope of normal. Slope of normal मुझे मिल गया, slope of tangent मुझे मिल गया. Now what is saying, normals are parallel to this line, so slope of this line x plus 3y is equal to 4, minus a by b होता है, that is minus 1 by 3. अभी ये दोनों इक्वल हो जाएगा स्लोप, क्योंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन एक्स प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. व्हाई, बिकॉज़ द लाइन इज पैरेलल टू द
normals. Slope of normal कितना है minus y by 3x, ये कितना है minus 1 by 3, 3 3 गया तो y कितना आएगा x, ये मुझे मिला y is equal to x. अब y is equal to x अगर मैंने कहीं put करके देखा तो क्या मिलता है देखते हैं, चलो इधर put करते हैं y is equal to x तो क्या आएगा 3x square minus x square is equal to 8, तो 2x square is equal to 8, x square is equal to 4, तो x is equal to plus minus 2 मिला मुझे. अगर x equal to plus minus 2 है तो y भी कितना मिलेगा plus minus 2 मिलेगा मुझे. ओके मतलब मुझे x का वैल्यू मिला 2, y भी plus minus 2 मिलेगा. या फिर मैं इसको थोड़ा सिंपलीफाई करता हूँ कि when x is equal to 2, y is equal to भी 2 आ जाएगा, and when x is equal to minus 2, y भी minus 2 आ जाएगा. तो मुझे पॉइंट क्या मिला 2, 2 minus 2, minus 2, ये पॉइंट मिल गया. पॉइंट्स मिल गया. स्लोप कैसा मिलेगा मुझे, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल कौन से पॉइंट पे लेते हैं, 2, 2 पे लेते हैं, कंसीडर 2, 2, तो ये आ जाएगा माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 2, 2 गया, ये आएगा माइनस 1 बाई 3. ये आपको मिला स्लोप. स्लोप के बाद आपको चाहिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, वाई माइनस वाई वन, वाई वन क्या है 2, एम एक्स माइनस एक्स वन, कैलकुलेट दिस 3y माइनस 3 प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस 2, दिस इज एक्स प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. सेम वे यू कंसीडर द सेकंड पॉइंट नाउ, माइनस 2 माइनस 2, कंसीडर माइनस 2 माइनस 2. अगर माइनस टू माइनस टू कंसिडर कर लिया तो स्लोप कितना आएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी माइनस टू अपॉन माइनस टू माइनस टू का ये भी माइनस 1 बाई 3 आ जाएगा. ये आ जाएगा वाई प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 3 एक्स प्लस 2, ये आ जाएगा 3y प्लस 3 टू द 6 माइनस एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3y plus 8 is equal to 0. That's your answer. So let's see question number 6, 7, 8 and 9. If the line so and so touches the curve, अगर एक curve है जिसको एक line touch करती है, तो ये जो लाइन टच कर रही है वो दिया है, तो ये लाइन जो टच कर रही है वो ही एक्चुअली टेंजेंट है देखा है. तो फिर लाइन टचेस द कर्व एट द पॉइंट दिस फाइंड द एंगल. सो आई कैन क्लियरली सी कि अगर ये y स्क्वायर इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस b है और इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा 2y dy / dx. x क्यूब का डेरिवेटिव आता है 3x स्क्वायर और ये डेरिवेटिव अब भी आएगा 0. सो d / dx विल बी 3ax स्क्वायर / 2y एंड इफ आई पुट 2, 3 वही है, अगर मैंने 2, 3 डाल दिया तो कितना आ जाएगा 3a into 4, 2 स्क्वायर इज 4 और ये 2 इनटू 3, 3 3 गया 2 2 2 2, तो ये आएगा 2a. ये मेरे को मिला एक्चुअल में, ये मुझे मिला स्लोप ऑफ टेंजेंट. ये क्या मिला है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो कि डिफरेंशिएट करके मिलता है. अभी उसने मुझे जो लाइन दिया है इट इज आल्सो टेंजेंट, सो आई कैन क्लियरली सी द स्लोप ऑफ लाइन y is equal to 4x minus 5 is. अभी अगर मैं इसको कंपेयर किया y is equal to mx plus c से तो ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि स्लोप m मतलब 4 है, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट और ये स्लोप ऑफ लाइन दोनों इक्वल, सो कैन आई इक्वल दिस 2a is equal to 4, तो ये आ जाएगा 2 और a का वैल्यू 2 अगर इसमें डाल दिया हमने a का वैल्यू 2. नाउ व्हाट यू डू इज
you substitute this A over here, you can substitute over here. और एक बात है, अभी A का वैल्यू जो मिल रहा है मुझे, उससे मुझे B फाइंड करना है, बट B पिक्चर में कहां पर है, यहां पर. ओके, सो लेट सब्स्टिट्यूट ओवर हियर. सो y, y कितना है हमारे पास, y दिया है 3 स्क्वायर, a a कितना है 2, x कितना दिया है 2, 2 क्यूब, सो दिस 3 स्क्वायर इज 9, 8 2 जा 16, 9 माइनस 16 इज माइनस 7, तो b मिला माइनस 7, सो a और 2 मिल गए. कमिंग टू नेक्स्ट सम्स, अभी ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, लेट्स सी एक एक करके देखते हैं. तो पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इज इक्वल टू, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ द कर्व एट व्हिच y कोऑर्डिनेट इज चार्ज चेंजिंग 8 टाइम्स एज. नाउ y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, मतलब क्या, y कोऑर्डिनेट y रहता है dy. ओके, चेंज, रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है डेरिवेटिव. सो y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, y coordinate is changing 8 times, 8 times मतलब 8 गुना, 8 into as x coordinate, so it is 8. ये मुझे condition दिया गया है, the y coordinate, rate of change of y coordinate is 8 times the rate of change of x coordinate, the divisibility is 8 times dx by dt. अभी क्या करेंगे, जो equation मुझे दिया है इसको differentiate मान लो with respect to t, sorry 6y is equal to x cube plus 4, differentiate this with respect to t, तो क्या आएगा 6 dy by dt, या आएगा 3x square dx by dt, और ये हो जाएगा 0. Now अगर ये dy by dt का वैल्यू इधर डाल दिया तो क्या आ जाएगा 8 into ये dy by dt का वैल्यू इधर डाल दो dx by dt 3 into x square dx by dt, so it's equal to 48 dx by dt is equal to 3x square dx by, ये भी कैंसिल हो जाएगा, you get 3 1 3 16, 16 is equal to x square, x is equal to plus minus 4, you got plus minus 4, what do you want, find the points in the curve, तो x का value 4 मिला है, x का value minus 4 मिला है, इसमें डाल दो 6y is equal to x cube मतलब 4 cube, 4 4 is 16, 16 4 is 64, 64 plus 2 6y is equal to 60, 6y is equal to 11, minus डाल दो 6y is equal to minus 64 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6y is equal to minus 62, y is equal to sorry 6 आ जाएगा, 2 3 जा 2 1 जा, so minus 31 by 3, so you got as 4 comma 11, और दूसरा मिलेगा माइनस 4 कॉमा माइनस 13 बाय 3, ये दो पॉइंट्स हमको मिल गए, सो दीज आर टू पॉइंट्स आर गिवन, 4 कॉमा 11 माइनस 4 कॉमा माइनस 4 कॉमा माइनस 13 बाय 3, ये दो पॉइंट्स मिले. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्फेरिकल बबल इज एक्सपैंडिंग सो दैट, अभी स्फेरिकल बबल से मतलब स्फेरिकल बबल ऐसा होता है, स्फेरिकल स्फीयर, स्फीयर होता है, इट इज एक्सपैंडिंग at so that its radius is increasing, radius change होते जा रहा है, radius change हो रहा है मतलब dr by dt कितना 0.02, radius change होते जा रहा है मतलब rate of change of radius, at what rate is the surface area increasing when the radius is, तो what rate is the surface area increasing मतलब ds by dt when the radius is 5, तो ds by dt मतलब surface area किस हिसाब से change हो रहा है, अब surface area का formula डालते हैं, surface area of a sphere is 4 pi r square, let's differentiate it, ये आएगा ds by dt 4 pi बाहर आ जाएगा, r square का derivative होता है 2r dr by dt, ये आ जाएगा 4 2 जा 8 pi r dr by dt 8 pi into r कितना दिया, चलो let's put the value, r is 5, dr by dt कितना है 0.02, let's calculate this, what do we do, ये आएगा 8 5 का 40 आ जाएगा, तो ये 4 अगर इसको मल्टीप्लाई 0 आटा दिया जाए तो ये 0.2 into 4 पाई हो जाएगा, मतलब 0.8 पाई हो जाएगा, दिस इज योर सेंटीमीटर पर सेकंड. ओके,
centimeter square per second. Let's take the next one. Surface area of spherical balloon increase in the rate of, ये भी वैसा ही है. Surface area of spherical balloon मतलब ds by dt is increasing at the rate of 2. At what rate the volume of the balloon is increasing? मतलब dv by dt कुछ है. dv by dt क्या है? When the radius is 6 cm, तो radius 6 है, तो dv by dt क्या है? वैसा कुछ है. चलो देखते हैं कैसा करना है. तो सरफेस एरिया ऑफ सर्कल को इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिया हुआ है. अभी यहां पर लिमिटेड डिटेल्स दिया हुआ है, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स विल वर्क फॉर यू. तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट सो एंड सो, व्हाट रेट दिस इज इंक्रीजिंग. अभी अगर मेरे को ये यूज करना है, ये यूज करना है, तो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. s = क्या आ जाएगा? 4 पाई r. तो ds / dt विल बी 4 पाई 2r dr by dt. मतलब मैंने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू t. अब ds by dt का वैल्यू कितना है? 2 है. 4 पाई इनटू 2 इनटू r इनटू dr by dt. 2 2 गया, तो ये क्या मिला मुझे? तो ये जो मिला है 1 is equal to 4 पाई इनटू r dr by dt. Now what do I want? So dr by dt क्या मिलेगा? 1 upon 4 pi r. ये मिलेगा dr by dt. इससे मुझे ये मिल गया. अभी volume of a sphere लेते हैं. Volume of sphere क्या आता है? 4 by 3 pi r cube. इसको differentiate कर दो. dv by dt 4 by 3 pi r आ जाएगा. इसका derivative आएगा 3 r square dr by dt. अभी ये आएगा 3 3 का 4 pi r square. dr by dt का वैल्यू क्या है? ये 1 by 4 pi r है. 1 by 4 pi r है. तो 4 pi 4 pi गया, r आ गया. तो क्या बचा? r. so dv by dt is equal to r. and what is the value of r? is 6. so this is 6 and this is centimeter cube per second. that's your answer. Okay, now let's see this question. Question number 10. If each side of equilateral triangle increases at a rate of root 2 cm, मतलब एक equilateral triangle है, side मैंने x ले लिया, increases मतलब dx by dt at a rate of area हो, find the rate of increase of area. उसका area कैसे increase होगा? जब side का length 3 सेंटीमीटर होगा. तो लेट्स सी हाउ टू डू दिस. तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज रूट 3 बाय 4 इनटू साइड स्क्वायर. एक्स ले लिया सेट, सो इट इज रूट 3 बाय 4 इनटू, अगर मैंने इसको डीए बाय डीटी कर दिया विद रेफरेंस टू टी, अगर मैं डिफरेंशिएट कर दिया, तो एक्स स्क्वायर का आता है 2x dx बाय डीटी. तो दिस विल बी रूट 3 बाय 4 इनटू 2 इनटू x का वैल्यू कितना है? 3. dx by dt कितना है? रूट 2. सो 2 1 जा 2 2 जा, दिस विल बी, ये रूट 2 अगर कैंसिल किया जाए नहीं तो फिर ये रूट 2 3 रूट 3 बाय रूट 2 आ जाएगा. दिस इज योर आंसर. 3 रूट 3 बाय रूट 2 इज द आंसर. Next is the volume of the sphere increases. अभी sphere है, इसका volume increase हो रहा है. Volume मतलब dv by dt increases at a rate of 20. Change हो रहा है. Find the rate of change of its surface area. मतलब ds by dt पूछ रहा है. जब radius pi है, कैसे करेंगे? कैसे वही story. Volume का formula. Volume का formula क्या होता है? 4 by 3 pi r cube. So dv by dt, if I differentiate this with respect to t, ये आएगा 4 by 3 pi r cube का आता है 3 r square dr by dt 4 by 3 into pi into, अभी कुछ अपने को दिया है यहाँ पर, ये दिया है 20,
तो 3r² dr/dt क्या है कैंसिल होगा 4 और 4 5 जा 3 3 कैंसिल्स सो 5 अपॉन पाई आर स्क्वायर इज dr/dt ये dr/dt में है अभी ये देखते हैं वी वांट टू फाइंड ds/dt सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर सो इफ यू डिफरेंशिएट दिस 4 पाई बाहर आ जाएगा इसका आएगा 2r सो ds/dt पॉइंट पे निकालो कौन अभी कौन सा पॉइंट पे ओके ds/dt और r इक्वल टू 5 r का वैल्यू 5 डाल दो dr/dt कितना है 5 अपॉन पाई आर स्क्वायर r का वैल्यू कितना है फिर से r का वैल्यू है 5 सो लेट्स सी व्हाट वी गेट ये पाई पाई कैंसिल हो गया 5 स्क्वायर भी गया 4 2 जा 8 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड इज योर आंसर इधर भी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड Let's come to the next one. 12. The edge of a cube is decreasing. अभी एक बात याद रहे कि अगर कोई चीज decrease कर Okay, now if the edge of a cube is decreasing बोल रहा है, तो decreasing का मतलब अगर edge जो है, अगर मैंने cube ले लिया ऐसा, cube ऐसा होता है, जिसका edge मैं लेता हूँ x, तो cube जो है वो rate of change of मतलब change हो रहा है वो dx/dt तो नेगेटिव आएगा क्योंकि कम होते जा रहा है डिक्रीज हो रहा है मतलब कम हो रहा है सो इट इज -0.6 फाइंड द रेट एट व्हिच वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग मतलब dv/dt फाइंड करना है इसका व्हेन द एज ऑफ द क्यूब इज 2 सेंटीमीटर तो x इज 2 सेंटीमीटर बोला है तो कैसे करेंगे देखो पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि एज जो डिक्रीज हो रहा है वो दिया मुझे तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है साइड क्यूब ओके क्योंकि l into l आएगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा dv/dt ये आ जाएगा 3x² dx/dt अभी x का वैल्यू दिया है 2 × 2² dx/dt दिया है -0.6 सो 3 फॉर द 12 12 6 इज 72 -7.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड द नेगेटिव साइन एक्चुअली शोस दैट द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग ओके देयरफॉर द volume is decreasing at 7.2 centimeter cube per second. The decrease volume is minus r. Let's come to the next one. A man of height 2 meter walks at a uniform speed of 6 km per hour. अभी एक man है उसको जिसका height है 2 meter. Walks at a speed of 6 km per hour. Speed उसका दिया है मतलब let's say dx स्पीड दिया है उसका स्पीड कितना है 6 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम अ लैंप पोस्ट ऑफ 6 मीटर हाई मतलब यहां पर एक लैंप पोस्ट मैंने ले लिया है 6 मीटर हाई फाइंड द रेट एट व्हिच द लेंथ ऑफ द शैडो इज इंक्रीजिंग अभी अगर ये मैन है और अगर ये पोस्ट है तो ये अगर मैंने ले लिया x और ये ले लिया y तो ये y इसका शैडो है समझ लो ये 2 मीटर है और ये 6 मीटर का पोल है ये मैन का हाइट है तो इसका शैडो है ये ले लिया भाई ये x ओके ये डिस्टेंस x है ये डिस्टेंस y है मैन ऑफ हाइट 2 मीटर वॉक्स अवे फ्रॉम ए लैंप मतलब ये लैंप से दूर जा रहा है फाइंड द रेट एट व्हिच द लेंथ ऑफ द शैडो इज इंक्रीजिंग मतलब ये जो शैडो है वो कितना इंक्रीज हो रहा है मतलब ये dy/dt पूछ रहा है dy/dt क्या है देखते कैसे करना है इसको ये 2 दिया है ये 6 दिया है अगर इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी ई तो
तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा. सो आई कैन से ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू सिमिलर ट्राइंगल सी डी ई. सो आई कैन से ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू सी डी अपॉन डी ई. ए बी कितना है 6 है और डी ई कितना है x प्लस y है. सी डी कितना है 2 है और ये कितना है डी डी ए वाई. तो अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो यह आएगा 6y इक्वल टू 2x प्लस 2y. तो ये आ जाएगा 4y. तो x इक्वल टू 2y आ जाएगा. ये कुछ तो रिलेशन मिल रहा है आपको x इक्वल टू y या y इक्वल टू x. ओके या फिर मैं बोलता हूँ y इक्वल टू क्या मिलेगा हाफ एक्स. तो मुझे चाहिए शैडो कौन से इससे इंक्रीज हो रहा है मतलब डी वाई बाई डी टी चाहिए. तो अगर ये इसने क्या दिया है देखो यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर. ओके तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट किया तो डी वाई बाई डी टी हाफ इंटू ये भी डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा. ओके यहाँ पर अभी डी वाई बाई डी टी हाफ डी एक्स बाई डी टी है. यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू अपने को दिया है उसने क्वेश्चन में. dx by dt मतलब since he is moving away from the pole ये वैल्यू चेंज हो जाएगा. कितना दिया है 6 किलोमीटर पर आवर. तो दिस हाफ इनटू 6 आएगा 3 दैट इज नथिंग बट ये जो चेंज हो रहा है दैट इज मीटर पर सेकंड. सो dy by dt इज 3 मीटर पर सेकंड. ये इसका आंसर है. Let's see this one now. A man of height 1.5 meter. ये man का height है 1.5 meter. Walks towards a lamp post जिसका height है 4.5 meter. At a rate of मतलब ये इंसान चल रहा है 3.34 meter per second. So, man of height walks towards the post. He is walking towards the post. Correct? This is the height of the man. He is walking towards the post. मतलब ये जो है वो डी बाई बाई डी टी मुझे दिया है. इट इज वॉकिंग टूवर्ड्स द पोस्ट इज 3/4 मीटर पर सेकंड. ओके फाइंड द रेट एट व्हिच शैडो इज शॉर्टनिंग. मतलब अभी जैसे वो इधर जाएगा ये शैडो भी कम होते जाएगा. तो डी एक्स बाई डी टी हमें पूछा है. ओके व्हाट इज ही आस्किंग इज डी एक्स बाई डी टी. तो एक और बात कि अगर ये कम होते जा रहा है क्योंकि नजदीक जाएगा तो वाई भी छोटा होता जाएगा. तो डीवाई बाई डी भी माइनस आएगा उस हिसाब से. डीवाई बाई डी माइनस आएगा और ये भी कम होते जाएगा. मतलब वो नजदीक नजदीक जाएगा तो डिस्टेंस भी कम होगा और ये शैडो भी कम होगा. तो व्हाट इज आस्किंग शैडो इज शॉर्टनिंग एट व्हाट रेट. तो हम लोग क्या करते हैं पहले अगर इसको नाम दे दिया ए बी सी डी ई कुछ भी. ये ट्राइंगल जो है ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल डी सी. तो बेसिक्स यूज करते हैं हम लोग ए बी अपॉन डी सी इज इक्वल टू बी ई अपॉन सी ई. चलो ए बी कितना है 4.5 चलो डी सी कितना है 1.5 चलो बी ई कितना है एक्स प्लस वाई चलो सी ई कितना है एक्स. तो ये कितना आ जाएगा 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई 3x. So 2x is equal to y. Okay. So ये कितना आएगा 2x is equal to y. ये मिला मुझे कुछ रिलेशन मिला. तो फिर x is equal to half y मिला. तो फिर डिफरेंशिएट इस ये आएगा dx by dt is equal to half dy by dt. तो dy by dt कितना है minus 3/4. ये कितना आएगा 3x by dt is minus 3 by dt. This is nothing but shadow is shortening at what rate. ये हुआ first question. अभी second part इसमें है कि tip of the shadow मतलब अगर ये देखा है तो e ये क्या rate से short हो रहा है. मतलब tip of the shadow अगर देखा जाए तो ये मेरे को इधर से अगर मैं पकड़ूंगा तो x और y दोनों include हो जाएगा. tip of the shadow ये shadow
कितने रेट से कम हो रहा है, मतलब x और y दोनों इंक्लूड होगा, दैट इज d / dx ऑफ x एंड d / d ऑफ y, सॉरी d / dt ऑफ x एंड, सो इट इज d / dt ऑफ x एंड d / dt ऑफ y, जो कि दोनों भी नेगेटिव है, माइनस 3 बाय 8 एंड माइनस 3 बाय 4, कितना आ जाएगा माइनस 3 माइनस 6 बाय 8, तो दैट इज माइनस 9 बाय 8 मीटर पर सेकंड, दिस इज योर आंसर. Let's come to the next one. इस पे लिखते हैं. अभी क्वेश्चन में दिया है. Lateral 10 meter long is leaning against a vertical one. 10 meter long है vertical one. The bottom of the ladder is pulled horizontally away. ये इधर खींच लिया. तो ये बड़ा हो जाएगा. dx by dt जो है बड़ा हो जाएगा. Okay. दूर खींच लिया. कितना? 12 meter per second. Great. फाइंड हाउ फार द टॉप ऑफ द लॉर्ड, मतलब ये कितना ये खींच लिया तो x बढ़ेगा और y कम होगा, क्योंकि वो पूछ रहे कि ये y कितना फास्ट कम होगा. ओके मतलब बॉटम इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द, मतलब x का वैल्यू अगर 6 है तो कितना कम होगा, ऐसा सवाल है. चलो देखते हैं कैसा आएगा. अभी व्हाट इज सेइंग कि बॉटम 6 मीटर है और ये लैडर तो 10 ही रहेगा, तो ये उस हिसाब से तो 8 आना चाहिए. ओके उस हिसाब से ये 8 आना चाहिए, तो तभी तो पाइथागोरस यूज होगा यहाँ. ओके पाइथागोरस, पाइथागोरस के हिसाब से अगर ये टाइम है ये 6 है तो ये नेगेटिव है. चलो देखते हैं कुछ रिलेशन बन रहा है. पहले अगर ये x है y है तो कैन वी से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 100. And if I differentiate this, 2x dx by dt, 2y dy by dt. So now, if I divide this by 2, yeah, the x dx by dt plus y dy by dt is equal to 0. Okay, so either is 0 or zero. अगर का डेरिवेटिव 0 ही आ जाएगा, तो अभी यहां पर x का वैल्यू कितना है मेरे पास, 6 है. dx / dt कितना है मेरे पास, 12 है. y का वैल्यू कितना है, 8 है. dy / dt मुझे फाइंड करना है, सो 8 dy / dt 12 6 है 72, तो ये माइनस 72. dy / dt कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 8 9 से 72 आ जाएगा ना, माइनस 9. ओके बट वन मोर थिंग, हमने ये 12 नहीं है 1.2 है. ओके ये 1.2 है, तो इधर अगर मैंने 1.2 डाला तो ये आ जाएगा 7.2 और ये आ जाएगा 0.9 मीटर पर सेकंड, दैट्स इट. सो दिस इज योर आंसर. लेट्स सी दिस क्वेश्चन. ए वाटर इज पोर्ड इनटू एन वर्टिकल इनवर्टेड हॉलो कोन, एक हॉलो कोन है इनवर्टेड, इसके अंदर पानी डाला, सेमी वर्टिकल एंगल इज 30. सेमी वर्टिकल एंगल मतलब ये एंगल, ये कितना दिया है 30 डिग्री, सेमी वर्टिकल, सो दैट इट्स डेप्थ, ये जो डेप्थ है, डेप्थ मतलब इसका क्या हो जाएगा, हाइट ना, इंक्रीज मतलब कहने से हाइट, हाइट जो है ये पानी का हाइट इंक्रीज हो रहा है एट 1 सेंटीमीटर पर सेकंड. फाइंड द रेट एट व्हिच volume of water is increasing, मतलब dv by dt increase हो रहा है जब height रहेगा 2 cm, मतलब depth 2 cm रहेगा तब क्या आएगा, question कैसा आएगा देखो. अभी ये भी अगर हमने देखा तो volume of a cone is 1 by 3 pi r square. Okay. और अगर मैंने इसको differentiate कर दिया तो यहाँ पर दो variable है r और h, तो r और h दो variable है,
इसको आर और एच को मैं डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाऊंगा बिकॉज आर के बारे में इन्फॉर्मेशन है ही नहीं. सो व्हाट आई डू, आई विल यूज सम ट्रिग्नोमेट्री. मैं ये डायग्राम को इधर, अगर मैं इतना ही ट्राइंगल देखता हूँ ऐसा, अगर इतना ट्राइंगल मैंने बाहर निकाला, सो दिस इज 30 डिग्री, ये उसी के लिए दिया 30. तो ये रेडियस है और ये हाइट है. तो कैन आई यूज टैन 30 ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो टैन 30 इज 1/√3, तो आर इज इक्वल टू एच बाय रूट थ्री. तो ये आर की जगह पे मैं लिख सकता हूँ एच बाय रूट थ्री. तो आर मुझे एलिमिनेट करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा उसको. सो इट इज 1/3 बाय एच स्क्वायर, ये 3 हो जाएगा और ये एच है, तो ये आएगा पाई बाय नाइन एच क्यू हो जाएगा. अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया अभी तो डीवी बाय डीटी पाई बाय नाइन एच क्यूब का डेरिवेटिव आता है 3h स्क्वायर dh by dt. अभी dh by dt का वैल्यू मेरे पास है और h का वैल्यू भी मेरे पास है, वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इसको. सो इट इज पाई बाय नाइन इंटू एच इज व्हाट एच स्क्वायर 2 स्क्वायर dh by dt इज व्हाट 1. सो दिस इज कितना जाएगा कैलकुलेशन करके 3 3 3 3 आएगा 4π/3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. दिस इज योर आंसर. तो इट लुक्स अ बिट ट्रिकी बट ये बहुत सिंपल है कि वॉल्यूम को एक ही वेरिएबल में लेके आओ, दैट इज इन टर्म्स ऑफ h, क्योंकि r का और इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं क्वेश्चन. दिस इज योर आंसर.